श्रावस्ती जनपद में एक नया कोरोना का केस आया सामने। सीएमओ डॉक्टर एपी भार्गव ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का मामला जहां पर आज सिर्फ एक नए कोरोना केस की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर एपी भार्गव ने की। उन्होंने बताया कि आज श्रावस्ती जनपद में एक नया कोरोना का केस सामने आया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर कार्रवाई कराई जा रही है। श्रावस्ती जनपद का मामला जहां पर आज एक नया कोरोना का संक्रमित मरीज मिला है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती के दुर्गापुर गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग, कई घर जलकर हुए राख। श्रावस्ती जनपद के भिनगा इलाके के दुर्गापुर जखवा गांव का मामला जहां पर अचानक आग लग जाने से लगभग आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। दुर्गापुर जखवा गांव की ये तस्वीरें जहां पर आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेलिया समेत लोगों का काफ़ी सामान व गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रावस्ती जनपद के भिनगा इलाके के दुर्गापुर जखवा गांव का मामला। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे श्रावस्ती, भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता इंटर कॉलेज में की जनसभा। श्रावस्ती जनपद में आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे रहे। प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल जनता इंटर कॉलेज पटना खरगोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष 289 विधानसभा भिनगा से जन लोक शक्ति पार्टी के उम्मीदवार मनोज पाठक के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मनोज पाठक को जिताने की बात कही। साथ ही उन्होंने भाजपा समेत अन्य पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के विचारों को सुना और मंथन किया। मैं काफी दूर से चल के आपके बीच में आया हूँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, काशी का। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी पिछले 10 साल से चुनाव नहीं लड़ती थी। 10 साल के बाद जो 22 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, हम उत्तर प्रदेश में करीब 65 स्थानों पर लोक जनशक्ति पार्टी गाजियाबाद से लगाए गोरखपुर तक चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तमाम साधन हैं, तमाम सुविधाएं हैं। हम उस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जहां हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय राम विलास पासवान जी ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। एक गरीब घर का आदमी, बिहार में जन्म लेने वाला, अपने संघर्ष से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा कि भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि सब यहां नौजवान हैं। लोकतंत्र में पार्टी, हमारे यहाँ पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जिस पार्टी का बहुमत होगा वही सरकार बनेगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में बहुमत की पार्टी गठबंधनों से चलती है। कभी कभी बहुमत से चली, कभी कभी गठबंधन से चली, और जब गठबंधन का दौर आता है तो एक समस्या देश के सामने और राज्य के सामने पैदा होता है कि आखिर सरकार बने या फिर सरकार चुनाव में, जनता चुनाव में, पार्टियां चुनाव में जाएं। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसीलिए मैं रामविलास पासवान जी का नाम कोट करना चाहता हूँ। उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि जब सरकार बनती है तो रामविलास पासवान जी हर सरकार में मिनिस्टर हो जाते हैं। कमेंट करने वाले, आलोचना करने वाले मौसम वैज्ञानिक क्यों कहते थे? अगर इसके दूसरे पहलू को ध्यान देंगे तो वही एक ऐसा आदमी था जो जमीन से चल करके आया था। उसका लोकतंत्र में आस्था थी, लोकतंत्र में विश्वास था कि अगर देश की और प्रदेश की सरकारें 5 साल नहीं चलेंगी
दो दो साल पर, ढाई ढाई साल पर देश का और प्रदेश का चुनाव होगा। आर्थिक व्यवस्था चाहे राज्य की हो चाहे प्रदेश की हो, चरमरा करके बैठ जाएगी।